नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल वी आर एस्ट्रोलॉजी में। दर्शकों, 15 नवंबर 2024 को बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। न्याय के देवता शनिदेव वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। इसका आपकी राशि मिथुन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कौन से बड़े बदलाव होंगे? कहाँ पर आपको खुशखबरियां मिलेगी? इसके विस्तार से इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दर्शकों, आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिए, क्योंकि ये शनि का गोचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब आते हैं दर्शकों, हम हमारे विषय पर। देखिए दर्शकों, शनिदेव की स्थिति को आपको समझना होगा कि शनिदेव अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं और ये 2025 में 29 मार्च तक यहीं रहेंगे, यानी मार्गी अवस्था में रहेंगे। 29 मार्च को फिर वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अगली राशि में चले जाएंगे और आपके दशम भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए दर्शकों, शनिदेव का गोचर 2.5 वर्षों के लिए एक राशि में होता है, कुंभ राशि में फिर वो अगले 30 वर्षों के बाद आएंगे। यानी ये समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एक तरह से वक्री से मार्गी होने का समय ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि शनिदेव इस दौरान राहु के नक्षत्र शतभिषा में रहेंगे और राहु आपके दशम भाव से गोचर कर रहे हैं, यानी आपका 9th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, दशम भाव एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पर बड़े परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी देखिए स्थिति आपके लिए ये बनेगी कि मिथुन राशि वाले अगर कार्य क्षेत्र पर परेशान हैं, तनाव झेल रहे हैं, चाहे आप नौकरी में हैं चाहे व्यापार में हैं, तो वो तनाव कम होगा, क्योंकि मार्गी होना यानी शनि सीधी चाल चलेगी और अब आपके जीवन में सभी शुभ कार्य होने लग जाएंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। इसके बाद देखिए, एक बड़ा काम ये भी होगा कि घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। कोई शुभ घटनाएं होने वाली है इस समय में, यानी 15 नवंबर से 29 मार्च के बीच में आपके घर परिवार में खुशियां आने वाली है। कोई ना कोई शुभ कार्य जरूर होगा जिससे आप खुशी महसूस करेंगे, परिवार में आनंद रहेगा। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर एक चीज ये भी है कि धर्म से जुड़ने का मौका मिलेगा, भाग्य आपका साथ देने लगेगा, धार्मिक कार्यों से आपकी किस्मत आपका साथ देगी। क्योंकि देखिए, शनि जब वक्री है तो वो पीछे के प्रभाव को भी हमें देते हैं, तो अष्टम भाव का रिजल्ट भी आपको मिल रहा था, परंतु अब जब वो मार्गी हो जाएंगे तो 9th हाउस ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, भाग्य आपका चलने लगेगा, रुके हुए कामों में तेजी आएगी, कोई काम पेंडिंग पड़ा है तो अब तेजी से होने लगेगा। इसके साथ ही साथ देखिए, पिताजी के साथ अगर आपके कोई मतभेद हैं, बनती नहीं है या कोई भी वैचारिक मतभेद है, तो वो दूर होंगे, अब आपका रिश्ता मजबूत होगा, उस हिसाब से भी ये गोचर बहुत शुभ रहेगा। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर एक चीज अच्छी ये भी है कि राहु के कारण आपके वर्क प्लेस का तनाव जो बना हुआ है उसको शनि अब कम करेंगे। जॉब स्विच करना चाहते हैं, दूसरी जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय शुभ है, आप कर सकते हैं। आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छी जॉब लग सकती है आपके हाथ, और आपको उस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, खास करके जो इन क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनको बड़ा लाभ होगा। जैसे कि अगर आप आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, या फिर आप टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, सोशल मीडिया, मीडिया, लॉ फील्ड, इन क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो आपको बहुत अच्छे लाभ होने वाले हैं इस समय में। साथ ही साथ अगर आप कम्युनिकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा या फिर आप रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो भी आपके लिए समय बहुत शुभ रहेगा, बड़े लाभ आपको प्राप्त होने वाले हैं। जो लोग इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, तो आपको बड़े लाभ अवश्य होने वाले हैं इस समय में। इसके बाद देखिए दर्शकों, एक अच्छी चीज ये भी है कि यहाँ पर आपका मेहनत तो देखिए शनिदेव कराते हैं, नो डाउट आपको पता भी होगा कि शनि का जब प्रभाव होता है राशि पे तो मेहनत तो करनी पड़ती है, परंतु अगर आप मेहनती हैं तो ये समय आपके लिए यादगार रहेगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, अब आपका भाग्य साथ देने लगेगा। साथ ही साथ देखिए, यात्राएं होगी इस समय में, कोई ना कोई बड़ी यात्राएं होती हुई दिख रही है और उन यात्राओं से आपको लाभ होगा, ये बहुत अच्छी स्थिति है। अगर आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो भी इस समय में आपका काम बन जाएगा, कोई वीजा का काम अटका हुआ है, कोई कागजी कार्यवाही में दिक्कत परेशानी आ रही है, तो वो दूर होंगी, आपके विदेश जाने का सपना पूरा होगा इस समय में। साथ ही साथ देखिए दर्शकों, शनि राहु के नक्षत्र में रहेंगे, राहु गुरु की राशि में है, तो एक चीज आप मान के चलिए कि अब आपका व्यापार भी बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि देखिए गुरु आपकी कुंडली में व्यापार भाव के मालिक बनते हैं, दशम में राहु चल रहे हैं आपके लिए, तो व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। अब आपकी व्यापार की परेशानियां दूर होगी, शनि के कारण आपने व्यापार में नुकसान झेले होंगे, परंतु अब आपका व्यापार अच्छा चलना लग जाएगा। इसमें भी देखिए, अगर आपका काम कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है, हार्डवेयर से जुड़ा हुआ है, या फिर आप कोयले से संबंधित, लोहे से संबंधित कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छा काम चलेगा, पेट्रोलियम, गैस, इनसे संबंधित कोई काम है तो भी अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। साथ ही साथ
आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, टूर एंड ट्रेवल्स का काम है, ट्रेडिंग करते हैं आप, दलाली करते हैं किसी काम की, तो भी ये समय आपके लिए शुभ रहेगा। रेडीमेड गारमेंट्स का काम है या फिर एजुकेशन सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं तो भी ये समय आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। यानी इन कामों से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई व्यापार है तो ये समय आपके लिए यादगार रहेगा। खास करके कंस्ट्रक्शन वालों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब देखिए दर्शकों, एक चीज आपको ये भी समझनी होगी कि शनि और राहु आपकी कुंडली में एक्टिव ज्यादा हो जाएंगे इस समय में। तो जो लोग विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आपका काम है तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इस समय में। अच्छे लाभ धन लाभ आपको होने वाले हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। इसके बाद देखिए दर्शकों, ये एक चीज उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्ति करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए कोई डिग्री वगैरह लेना चाहते हैं, कोई दूसरे शहर या दूसरे देश में जाके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए समय शुभ है। आप प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। शनि का प्रभाव देखिए 6th हाउस पर भी रहेगा, तो ये एक अच्छी चीज ये भी है कि आपके लिए जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए स्थितियां काफी शुभ हैं, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपको सफलता मिल सकती है। साथ ही साथ देखिए दर्शकों, यहाँ पर शनि का प्रभाव आपके 11th हाउस प्रॉफिट भाव पर रहेगा, तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट आपको अच्छा होगा। पर एक बात का ये भी ध्यान रखिए कि पैसा किसी को उधार देना या किसी की गारंटी से किसी को पैसा देना ये मत करिएगा, अन्यथा धन का नुकसान हो सकता है, क्योंकि शनि की नीच दृष्टि है आपके 11th हाउस पर। तो इस बात का ध्यान रखिए, किसी के बीच में गारंटर मत बनिए, और काम अगर आप जो भी काम धंधा करते हैं बेईमानी से पैसा कमाने का मत सोचिए, क्योंकि नीच दृष्टि है। तो आपके मन में विचार आ सकते हैं ऐसे कि जल्दी पैसा कमाया जाए, किसी भी तरह से बस पैसा आए, ऐसे मन में विचार आएंगे आपके, परंतु कंट्रोल करना है खुद की भावनाओं पर। गलत काम करेंगे तो फिर शनि देखिए न्यायाधीश हैं, वो दंड देने पे आते हैं तो सब कुछ छीन लेते हैं, इस बात को गांठ बांध लीजिए। अगर गलत काम करेंगे, गैर कानूनी काम करेंगे तो फिर आपको कोई बचा भी नहीं पाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए दर्शकों, सही रास्ते से जो धन आए वही उचित है, पैसा बड़ी मात्रा में आएगा, बस सही मार्ग से आए वो सही रहेगा। इसके बाद देखिए दर्शकों, 3rd हाउस पर शनि की दृष्टि रहेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, शनि मेहनत किए बिना कुछ देते नहीं है, पराक्रम बढ़ाएंगे, वर्क प्लेस पर थोड़ा काम का बोझ भी मिलेगा, परंतु आप सारे कामों को निपटा भी देंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर 6th हाउस पर शनि का प्रभाव है, तो शत्रु अगर परेशान कर रहे हैं, किसी तरह से बहुत ज्यादा तनाव है वो दूर होगा, शत्रुओं पर विजय मिलेगी आपको। साथ ही साथ कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो उसमें राहत महसूस होगी, एकदम से निपटारा नहीं होगा परंतु राहत जरूर महसूस होगी। इसके बाद देखिए दर्शकों, कंपटीशन एग्जाम में जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपको सफलता जरूर मिलेगी, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए समय बहुत शुभ बन रहा है, आपको अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर स्थिति में है, पीड़ित हैं, तो आपको उपाय जरूर करने चाहिए, इससे आपके ये रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे। उपाय के तौर पर देखिए दर्शकों, आप शनिदेव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, शनिवार के दिन व्रत भी कर सकते हैं, और शनिवार के दिन असहाय और गरीब लोगों की सेवा भी कर सकते हैं। इससे भी आपके जीवन में शनि पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी और शनि का आशीर्वाद मिलेगा, तो ये उपाय जरूर करिए, निश्चित तौर पर लाभ होगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप हमसे जुड़कर कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको पूरा सहयोग किया जाएगा और सही जानकारी दी जाएगी। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।